शिष्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। साधारणतः जितने शिष्य होते हैं, किसी को भोजन चाहिए, धन चाहिए, किसी को स्वाद चाहिए, सुख चाहिए। आजकल हम जैसे शिष्य लोग घूमा करते हैं, कोई सोच रहा है गुरुजी बड़े मालदार हैं, पैसा वाले हैं, इनकी सेवा करो स्थान मिल जाएगा, इसी को शिष्य कहते हैं। आजकल की स्थिति यह है, एक स्थान में बड़ी बढ़िया पंगत हो रही थी, आजकल का नमूना बता दें, क्योंकि आजकल जैसा समय है। तो एक कोई पहुंचा, हम जैसा कोई जाट बंधु, बोला खीर छूट पट्टी खीर चल रही है, मिठाई लो ये लो। तो सोचने लग गया ये स्थान बहुत बढ़िया है, यहीं रहना चाहिए। ऐसा होता है हमारे पास, एक बार कुछ संत आए, बोले हम वहां गए महाराज, बड़ी साधु सेवा होती है। हमने कैसी होती है, अरे दो दाल दो साग, रात को केसरिया दूध, चार बजे फ्रूट फल फ्रूट, बस बस बस। हमने कहा ठीक कह रहे हो, यहां रोटी सूखी रोटी में क्यों मूड मारो, यहां सेवा नहीं है, वहीं लंबे पड़ो। फ्रूट चार बजे, किस दूध दो दाल दो साग, चावल चटनी। तो जो बोला बेचारा कि गुरुजी अब सेलों से कि हम यहां रहना चाहते हैं, बोले गुरुजी के पास जाओ कंठी लाओ तब यहां रह सकते हो। वो गुरुजी के पास गया, बोले महाराज तब मैं चेला कर ले। तो गुरुजी ने देखा नमूना, अच्छा भाई बैठ, एक बात बता कि चेला बनेगा कि गुरु बनेगा, हम दोनों में राजी हैं, तू चाहे गुरु बन जा चाहे चेला बन जा। तो चक्कर में पड़ गया, बोले तो वामे वाको नेम का हो समझाओ। बोले चेला को हुक्म मानना पड़े और गुरु हुक्म दे। तो बोला तब तमय गुरु कर लो, जब ऐसी बात है। बोले ठीक बात है। तो ऐसा है कि चेला जाता है गुरु के पास, अब तू घर जा, अब हम जब जरूरत पड़ेगी तो तेरे पास आएंगे कि तुम हमको दीक्षा दो, तो तू जा वहीं और हम तेरे पास आएंगे जब जरूरत होगी। चला गया बे बेचारा की आशा में कि आएंगे अब हमारे चेला बनेंगे, हमारे चेला बनेंगे। तो आजकल तो ऐसा मामला है। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।